अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल वर्ड आप लोगों ने सुना ही होगा। पोटेंशियल वर्ड से का मीनिंग क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि पोटेंशियल से आप क्या समझते हैं, पोटेंशियल से आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल एक काइंड ऑफ कैपेबिलिटी है या एबिलिटी है। अगर हम बोलें कि एक बच्चा ज्यादा अच्छा स्कोर कर रहा है दूसरे बच्चे से क्योंकि उसका पोटेंशियल ज्यादा है, या फिर अगर हम बोलें कि एक बच्चा एक राम है जो कि 6 घंटे पढ़ सकता है लगातार, बट श्याम है वो ओनली 3 घंटे ही कंसंट्रेट करके कंटिन्यूअसली पढ़ सकता है। सो अगर मैं इधर बोलूं कि राम का पोटेंशियल श्याम के पोटेंशियल से ज्यादा है तो मैं गलत होऊंगा? नहीं। सो पोटेंशियल का मीनिंग होता है कैपेबिलिटी या एबिलिटी। सिमिलरली जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज का भी एक पोटेंशियल होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पे अभी बाद में आते हैं, पहले समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ट्रांसपोर्टिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा पोटेंशियल, ऐसी कैपेबिलिटी जो कि एक चार्ज एक्वायर करे। चार्जेस नहीं, हम यहां पे एक चार्ज की बात कर रहे हैं क्योंकि हम यहां पे बात कर रहे हैं पॉइंट चार्ज, अ यूनिट चार्ज। यूनिट मींस सिंगल, अ पॉइंट चार्ज। ऐसी कैपेबिलिटी पॉइंट चार्ज की जो कि हम देखते हैं जबकि हम कोई भी पॉइंट चार्ज हो जब उसको हम एक बहुत इन्फाइनाइट लोकेशन से एक बहुत पॉइंट लोकेशन तक पहुंचाते हैं। एक डायग्राम की वजह से हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज ये एक पाथ है आपका, ठीक है। यहां पर मैं डॉटेड 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 कर देता हूं ताकि ये समझ में आ जाए कि इन्फाइनाइट तक है। इन्फाइनाइट मतलब बहुत दूर है, वेरी फार अवे। मतलब ऐसा पॉइंट है ये जो बहुत दूर है हमसे। उस पॉइंट से जो कि एट अ डिस्टेंस ऑफ इन्फाइनाइट है, उस पॉइंट से हमको एक पॉइंट तक ट्रेवल करना है जो कि है ए, और दिस इज योर ए पॉइंट। जब भी हम किसी भी चार्ज को, क्यू इज आर चार्ज, और यूनिट के लिए हम इसको सबस्क्रिप्ट में 0 लगा लेते हैं विच डिनोट्स इट्स अ यूनिट चार्ज। हम एक चार्ज के बारे में बात करते हैं, कर रहे हैं यहां पे। जब भी हम ऐसे चार्ज को जो कि यूनिट चार्ज हो उसको इंफाइनाइट डिस्टेंस से पॉइंट ए डिस्टेंस तक ट्रेवल करवाते हैं, और सिंपली आप कह सकते हैं कि जब भी कोई चार्ज इंफाइनाइट लोकेशन से ए लोकेशन तक ट्रेवल करता है तो उसमें जो वर्क डन वो परफॉर्म करता है, वर्क डन मतलब जितना वो यहां से यहां तक ट्रेवल करने में जितना वर्क डन वो परफॉर्म कर रहा है, और वर्क डन किस पे हो रहा है, पहला क्वेश्चन यहां पे ये आता है, वर्क डन हम कर किस पे रहे हैं? हम ये ट्रेवल करने में पाथ, इस पाथ को ट्रेवल करने में वर्क डन कर रहे हैं, या जो चार्ज है उस पर वर्क डन कर रहे हैं? हम यहां पर एक चार्ज पे वर्क डन कर रहे हैं। So, as written over here, at a point A is the work done per unit charge. चार्ज पे कर रहे हैं हम ये वर्क डन। हम इस पाथ को ट्रेवल करने में वर्क डन नहीं कर रहे हैं, हम इस चार्ज पे वर्क डन कर रहे हैं ताकि ये चार्ज इन्फाइनाइट से पॉइंट ए तक आ पाए। ठीक है। सो ऐसे चार्ज को जिसपे हम वर्क डन कर रहे हैं ताकि वो इन्फाइनाइट डिस्टेंस से पॉइंट ए डिस्टेंस तक आ पाए, ऐसे उसको चार्ज को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं कि इसको इतना पोटेंशियल लगेगा इन्फाइनाइट से ए पॉइंट तक आने तक।
इस चार्ज पे इतना वर्क डन हमको करना ही पड़ेगा ताकि ये इन्फाइनाइट से पॉइंट ए तक आ पाए। अगर मैं इसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं वी, वी डिनोट्स फॉर पोटेंशियल, सिंबल फॉर पोटेंशियल इज वी। वी डिनोट्स द पोटेंशियल, चाहे वो पोटेंशियल डिफरेंस हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या कोई भी पोटेंशियल हो, वी हमेशा आपका रिफ्लेक्ट करता है फिजिक्स में पोटेंशियल को। तो मैं लिख सकता हूं वी इक्वल टू डब्ल्यू। अब डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू है हमारा वर्क डन। वर्क डन अपॉन, अब ये वर्क डन आप हम किस पे कर रहे हैं? हम ये पूरा वर्क डन कर रहे हैं चार्ज पे। कौन से चार्ज पे? एक यूनिट चार्ज पे। सो क्यू नॉट, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब भी हम किसी भी चार्ज को इन्फाइनाइट से पॉइंट ए तक ट्रेवल करवाते हैं और जो भी हम वर्क डन परफॉर्म करते हैं इस चार्ज क्यू नॉट पे, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दिस इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आप सब सोच रहे होंगे कि आपने ये तो बता दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये तो हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? दोनों ही सेम चीज होती है बट इनमें बहुत ही छोटा सा फर्क है, वो अभी हम समझते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। अब हमको सिंबल तो पता लग गया, पोटेंशियल का सिंबल होता है वी, पर ऐसा जब हमने अपना डिस्कशन स्टार्ट किया था तो हमको हमने ये भी पॉइंट डिस्कस किया था कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी का फिजिक्स में एक सिंबल होता है और उसकी एक सिस्टम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट भी होती है जिसको बोलते हैं हम एसआई यूनिट। सो जो एसआई यूनिट है पोटेंशियल की वो है वोल्ट्स। क्या है? वोल्ट्स। सो जब भी आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करें या पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल फाइंड आउट करें किसी भी चीज का या पोटेंशियल कहीं पे मेंशन करें तो हमेशा उस वैल्यू के साथ वी जरूर लगाना पड़ेगा आपको वहां पे, अदरवाइज वो रिकग्नाइज नहीं होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। और अगर किसी क्वेश्चन में अगर गिवन है और आपको पोटेंशियल फाइंड करना है और अगर आप आंसर के साथ वी नहीं लगाओगे तो आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे वहां पे स्ट्रेट अवे, ठीक है। अब हमें पता लग गया इसकी सिंबल है पोटेंशियल का वी, उसकी एसआई यूनिट है वोल्ट, और क्या आप पता करना कर सकते हैं हम यहां से? लेट सपोज मैं आपसे बोलूं, आपको यह तो पता होगा स्केलर और वेक्टर्स क्या होते हैं, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं। स्केलर्स आर द क्वांटिटीज, स्केलर्स आर द क्वांटिटीज विद मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, स्केलर्स ये होते हैं एंड वेक्टर्स आर द क्वांटिटीज विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड मतलब एक वैल्यू हो, अगर मैं आपसे बोलूं 25, सो ये एक स्केलर वैल्यू है, ठीक है, 25 केजी या 25 किलोमीटर बोल देते हैं इसको, 25 किलोमीटर, तो ये जो है 25 किलोमीटर ये सिर्फ है मैग्नीट्यूड। बट अगर मैं ये बोलूं आपको 25 किलोमीटर नॉर्थ, सो मैंने इसके साथ एक डायरेक्शन भी एसोसिएट कर दिया, सो ये है वेक्टर, ये है स्केलर और ये है वेक्टर।
ये मैं आपकी एडिशनल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अगर जैसे कि आप अगर हायर ग्रेड्स में जाएंगे तो आपको ये स्केलर और वेक्टर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये मैं जस्ट आपको एक शॉर्ट फॉर्म में ब्रीफ कर रहा हूँ ताकि अभी आपको समझ में आ जाए। सो ये होते हैं स्केलर, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड, जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और जिन भी वैल्यूज के मैग्नीट्यूड के साथ कोई डायरेक्शन एसोसिएट होता है उसको हम बोलते हैं वेक्टर्स। ठीक है, सो जो अब मैं आपसे चीज पूछने वाला हूं उसका आप मुझे आंसर कीजिएगा कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और आप कह सकते हैं ये जो पोटेंशियल है जो हमने यहां फाइंड आउट किया है, ये स्केलर है या वेक्टर है? थोड़ा सोच के बताइएगा कि दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी और इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। हमारे पास वर्क डन है, हमारे पास चार्ज है क्यू नॉट। ठीक है, सो जो वर्क डन होता है, मान लीजिए आप किसी भी चीज को करने में कुछ भी काम कर रहे हैं, आपने एक वो लिया, लेट सपोज आपने आपने कुछ भी चीज वे एक वेइंग एक चीज को वे करने के लिए आपने अपने हाथ में 5 kg राइस ले लिए। ठीक है, और आप उन राइस को लेके अपने घर से लेके सॉरी स्टोर से लेके जहां पे जनरल स्टोर से आपने परचेस किया अपने घर तक आए। सो जो भी आपने जनरल स्टोर से लेके अपने घर तक उस 5 kg राइस को लेके ट्रेवल करा डिस्टेंस, आपने एक वर्क डन परफॉर्म किया। ठीक है, वर्क डन को मैं अगर सिंपली बोलूं, जो वर्क डन होता है उसको हम एक और चीज बोलते हैं, वर्क डन रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन सिंपली मीन्स डिस्प्लेसमेंट। जब भी हम या कोई भी चीज अपनी इनिशियल लोकेशन से फाइनल लोकेशन पे ट्रेवल करें, सो जो भी चीज अपनी इनिशियल लोकेशन और इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे जित अगर ट्रेवल करे या मूव करे, तो जो भी इसने यहां से लेके यहां तक मूव करने में जो भी वर्क डन परफॉर्म किया, या ये चीज अपनी प्लेस इनिशियल प्लेस से यहां तक डिस्प्लेस हो गई, इनिशियल पोजीशन क्या थी, ये थी, बट फाइनल पोजीशन क्या है, ये है, तो हम कह सकते हैं ये एक ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक इतना डिस्प्लेस हो गया, इस डिस्प्लेसमेंट को ही हम वर्क डन बोलते हैं। अगर आपने एक जनरल स्टोर से अपने घर तक का डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो आपने उस इनिशियल प्लेस से फाइनल प्लेस के बीच का जो आपका डिस्प्लेसमेंट रहा वो ही वर्क डन है। अगर हम यहां पे देखें तो इनिशियली हमारा चार्ज कहां था, इन्फिनिटी पे था, बट हमने उसको इन्फिनिटी से लेके पॉइंट ए तक पहुंचा दिया। सो जो इतना हमारा डिस्टेंस में चार्ज डिस्प्लेस हुआ, इतने डिस्टेंस से हमारा चार्ज डिस्प्लेस हुआ, इसी को तो वर्क डन बोलते हैं हम, यही तो हमारा वर्क डन है, और यही वर्क डन हम चार्ज पे परफॉर्म कर रहे हैं ताकि चार्ज हमारा यहां से यहां आ जाए, यही चीज हमने इस डेफिनेशन में भी लिखी है। सो अब आपको इस कॉन्सेप्ट को जहां तक क्लियर हो गया होगा आप सबके माइंड में कि एक्चुअली पोटेंशियल होता क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हमारा मीनिंग क्या है यहां पे, कि वर्क डन जो कि चार्ज पे परफॉर्म किया गया है। सो मेरा क्वेश्चन यहां ये था कि जो हमारा पोटेंशियल है वो स्केलर है या वेक्टर है। सो जो हमारा वर्क डन होता है वो स्केलर होता है। ठीक है, और जो चार्ज है, चार्ज भी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, ऐसा तो नहीं होता चार्ज आप बोलोगे 1 coulomb north 1 coulomb south, ऐसा तो नहीं होता ना, तो वो भी एक वैल्यू होती है, तो वो भी एक स्केलर है। सो ये भी स्केलर है, वर्क डन भी स्केलर है, चार्ज भी स्केलर है, सो हमारा पोटेंशियल भी क्या होगा, पोटेंशियल इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। अगर आपसे कोई भी पूछे कि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, सो यू कैन राइट इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब ये तो हो गई बात स्केलर की और वेक्टर की। अगर मैं पूछूं कि
क्या ये जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुड ईदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव. सो हमको क्या क्या चीजें पता लगी उसके बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हमें क्या क्या चीज पता लगी, लेट समराइज. कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली एक ऐसा वर्क डन है जो कि चार्ज पे परफॉर्म किया जाता है उसको इन्फानाइट से पॉइंट ए तक मूव कराने में. ठीक है, यही चीज हमने यहां पढ़ी. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ट्रांसपोर्टिंग इट फ्रॉम इन्फानाइट टू पॉइंट ए. ठीक है, बहुत बढ़िया, हमें पता लग गया. सिंबल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वी, कैपिटल वी से हम डिनोट करते हैं पोटेंशियल को. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्यू नॉट. क्यू नॉट हो गया हमारा पर यूनिट चार्ज. इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट्स. ठीक है, फिर हमने क्या पता करा इसके बारे में, फिर हमने पता करा कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ये स्केलर क्वांटिटी होती है. स्केलर क्वांटिटी का मींस इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई एज सच डायरेक्शन नहीं होता. और जो लास्ट हमने पता करा, हमें पता लगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की. किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस. अब हमें यह तो पता चल गया कि हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था वो होता है वर्क डन अपॉन क्यू नॉट, जो कि होता है यूनिट चार्ज. अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हमें पता लग गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ एग्जांपल ओवर हियर. लेट सपोज हमारे पास एक बीकर है यहां पे जिसको हमने एक साइड ट्यूब से कनेक्ट करा हुआ है. ठीक है, हमारे पास एक और बीकर है यहां पे जिसको भी हमने दो बीकर्स को यहां पे एक साइड ट्यूब से कनेक्ट किया हुआ है. लेट्स कॉल इट एज बीकर ए, इसको बोल लेते हैं बीकर बी. ठीक है, अब बीकर ए में एक लिक्विड फिल्ड है यहां तक और बीकर बी एकदम पूरा भरा हुआ है यहां तक. और हमने इन दोनों के बीच में एक स्टॉप कॉक लगा दिया है ऐसे. स्टॉप कॉक इसलिए ताकि बीकर बी का पानी बीकर ए में ना जा पाए और बीकर ए का पानी बीकर बी में ना जा पाए. ठीक है, अब बीकर ए का पानी बीकर बी के पानी से आप यहां देखोगे तो कंपैरेटिवली लेस है. There is a less amount of liquid in beaker A as compared to the amount of liquid in beaker B. So, मैं इस चीज को बोल सकता हूं कि जो beaker B है इसमें जो liquid है वो एक high hydrostatic potential पे है. कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? Because उसका लेवल ऑफ वॉटर और लेवल ऑफ लिक्विड इन बीकर बी इज हाई, कह सकता हूं. और जो बीकर ए में वॉटर है वो लो हाइड्रोस्टेटिक पोटेंशियल पे है. सो अगर मैं इन दोनों के बीच का ये जो स्टॉप कॉक है ये यहां से रिमूव कर दूं लाइक दिस, So, क्या होगा? अगर मैं इन दोनों के बीच का जो स्टॉप कॉक था उसे हटा दूं तो क्या होगा? आप बोलोगे कि सर बीकर बी का जो पानी एज कि बीकर बी में जो पानी ज्यादा है, बीकर ए में जो पानी कम है, बीकर बी में से पानी बीकर ए में मूव करना स्टार्ट हो जाएगा. सही बात है,
क्योंकि यहां पे बीकर बाय क्यों होगा ऐसा, क्योंकि बीकर बी का हाइड्रोस्टेटिक पोटेंशियल लेवल हाई है एज कंपेयर टू द हाइड्रोस्टेटिक पोटेंशियल लेवल ऑफ बीकर ए. सो बीकर बी का लिक्विड बीकर ए के लिक्विड के साथ और बीकर ए में मूव होना स्टार्ट हो जाएगा यहां पे. ये प्रोसेस कब तक चलेगा? ये प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा अनलेस एंड अनटिल दे बोथ विल अटेन अ इक्विलिब्रियम सरफेस. कैसा सरफेस? इक्विलिब्रियम. और अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, आप बोल सकते हो एक लेमैन लैंग्वेज में, सर ये प्रोसेस तब तक होगा जब तक दोनों बीकर का जो लेवल ऑफ लिक्विड है दोनों बीकर में इक्वल ना हो जाए. सही बात है, क्योंकि जब तक ये लेवल ऑफ वाटर दोनों बीकर का इक्वल नहीं होगा तब तक बीकर बी में से लिक्विड बीकर ए में मूव करता रहेगा. फिर क्या, जब दोनों बीकर का लेवल ऑफ वाटर एग्जैक्टली सेम हो जाएगा तब उनके बीच में कोई मूवमेंट होगी? नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि उन दोनों ने इक्वी पोटेंशियल सरफेस अटेन कर लिया है. क्यों नहीं होगी? क्योंकि उन दोनों ने इक्वी पोटेंशियल सरफेस अटेन कर लिया है. अब ना तो बीकर ए का जो लिक्विड है वो हायर हाइड्रोस्टेटिक पोटेंशियल पे है, ना बीकर बी का वाटर जो है वो हाई हाइड्रोस्टेटिक पोटेंशियल पे है. दोनों के दोनों ही लिक्विड इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे आ चुके हैं. सो ना तो ए का लिक्विड बीकर बी में मूव होगा और ना बीकर बी का लिक्विड बीकर ए में मूव होगा. ऐसा क्यों हुआ? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. लेट्स सपोज हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया. आइसोलेटेड सिस्टम पता है आपको क्या होता है? इसको बोल देते हैं एग्जाम्पल वन. यहां ले लेते हैं एग्जाम्पल टू. अपन लेट्स सपोज हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया. आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि आउटसाइड वर्ल्ड से बिल्कुल डिसकनेक्टेड होता है. लेट सपोज अगर आपने सुना होगा कि जो जो आइलैंड्स होते हैं, कुछ हमारे ऐसे ऐसे आइलैंड्स हैं हमारे प्लेनेट पे कि जो कि बिल्कुल बैरन पड़े हुए हैं, सुनसान पड़े हुए हैं, कोई भी सालों से वहां पे कोई मतलब ह्यूमन सिविलाइजेशन का निशान भी नहीं है, कोई ह्यूमन तक नहीं गया वहां पर. सो ऐसे जगह जो बिल्कुल जो हमारी नॉर्मल वर्ल्ड है उससे बिल्कुल कट ऑफ हो, और ऐसा सिस्टम जिसको उसके बाहर क्या हो रहा है उससे कुछ मतलब ही नहीं है, वो अपने में ही एक सिस्टम बना हुआ है, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम. मान लीजिए हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया जिसको जो बाहर सराउंडिंग में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं है, ये इसके अंदर जो हो रहा है उसको उससे मतलब है, बस बिल्कुल ही कट ऑफ है फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड. ठीक है, ऐसे आइसोलेटेड सिस्टम में हमने दो ऑब्जेक्ट्स रख दिए, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी. ठीक है, और दोनों ही ऑब्जेक्ट काफी हाई ऑब्जेक्ट ए जो है हमारा वो एक हाई टेम्परेचर पे है 80 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, और ऑब्जेक्ट बी कंपेयर टू ऑब्जेक्ट ए लोअर टेम्परेचर पे है जो कि है 20 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अब इन दोनों के जो टेम्परेचर हैं, इनके टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जो भी बाहर का टेम्परेचर है उससे. क्यों? क्योंकि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, कंप्लीटली कट ऑफ सिस्टम है, इसको कुछ मतलब नहीं है बाहर का सिस्टम, बाहर का टेम्परेचर क्या है, बाहर का सराउंडिंग क्या है, इसको बस उसी से मतलब है जो इस सिस्टम में है. अब इस सिस्टम में हमने दो ऑब्जेक्ट रख दिए, ए एंड बी. ए है 80 डिग्री सेल्सियस पे और बी है 20 डिग्री सेल्सियस पे. और हम कह सकते हैं ए ने अटेन कर रखा है हाई थर्मल पोटेंशियल और बी ने अटेन कर रखा है लो थर्मल पोटेंशियल. अब इस
इस एग्जाम्पल में और दूसरे इससे पहले वाले एग्जाम्पल में आपने डिफरेंस नोटिस किया, यहां पे वाटर की बात हो रही थी तो हमने लिख दिया था हाइड्रोस्टेटिक पोटेंशियल, यहां पे हमने टेम्परेचर की बात की है तो हमने लिख दिया हाई थर्मल पोटेंशियल लो थर्मल पोटेंशियल, ठीक है। सो ए जो ऑब्जेक्ट है वो है हाई थर्मल पोटेंशियल पे और बी है लो थर्मल पोटेंशियल पे। सो कुछ देर बाद इफ यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग सो आपको पता लग जाएगा ड्यू टू हाई थर्मल पोटेंशियल ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड ड्यू टू द लो थर्मल पोटेंशियल ऑफ ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट ए विल स्टार्ट लूजिंग हिज हीट एंड ऑब्जेक्ट बी विल स्टार्ट गेनिंग हिज हीट। ऑब्जेक्ट ए है वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा और ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए के टेम्परेचर से गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा कंटिन्यूअसली अनलेस एंड अंटिल दे बोथ विल अटेन अ इक्वी थर्मल पोटेंशियल। तब कब तक होगा ये सब? जब तक वो दोनों ही इक्वी थर्मल पोटेंशियल नहीं अटेन कर लेते। इन्हीं दो एग्जाम्पल्स की तरह एग्जाम्पल नंबर वन और एग्जाम्पल नंबर टू हमारे पास होता है एक पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों ही केसेस में अगर आपने ऑब्जर्व किया हो दोनों में मूवमेंट क्यों हुई, इस केस में लिक्विड की मूवमेंट हुई फ्रॉम बीकर बी टू बीकर ए, इसमें एक्चुअली हीट की मूवमेंट हुई फ्रॉम ऑब्जेक्ट ए टू ऑब्जेक्ट बी, क्यों हुई? क्योंकि उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस था। यहां पे हाइड्रोस्टेटिक पोटेंशियल डिफरेंस था, यहां पे थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस था। सो आप एक बात हमेशा नोट कर लीजिए कि मूवमेंट हमेशा तभी होगी जब व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन पोटेंशियल। मूवमेंट विल ओनली बी देयर If there is a potential difference, इन्हीं दो examples की तरह जब भी हम कोई circuit लेते हैं, लेट सपोज हमने एक सर्किट लिया इस तरीके का, यहां एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एक सिंपल सर्किट में यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं जिसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। अब ये जो बैटरी है ये बेसिकली एक सोर्स है एनर्जी का, बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। सो ये जो बैटरी है इस सर्किट में जो हमने कनेक्ट करी है ये बेसिकली क्या कर रही है इस सर्किट में? बैटरी इज जस्ट क्रिएटिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो कंडक्टिंग वायर है जो कि कॉपर की है या किसी भी मेटल की बनी हुई है, सो ये जो कंडक्टर है इसमें जो चार्ज है, चार्ज क्यू, ये तभी मूव करेगा जब हमने जो यहां पे बैटरी कनेक्ट करी है वो इस सर्किट में एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करे। आपने देखा होगा कि जब भी आप मार्केट से कोई ड्राई सेल लाते हो तो उसमें ड्राई सेल में अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव मेंशन होता है और हमेशा उस पर एक वोल्टेज भी मेंशन रहती है, फॉर एग्जांपल 1.5 वोल्ट। सो इस 1.5 वोल्ट का मीनिंग क्या है? इस 1.5 वोल्ट का मीनिंग यह है कि जब भी आप इसको किसी भी डिवाइस या सर्किट में कनेक्ट करोगे तो ये बैटरी आपको 1.5 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगी।
और इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज आपका सर्किट में फ्लो कर पाएगा। इतनी बात क्लियर? सो अब आप बोलोगे सर आपने बता दिया कि हमें थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस का एग्जांपल दे दिया, आपने हमको हाइड्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया, आपने हमको ये भी बता दिया कि जो एक्चुअली जो सर्किट होता है उसमें जो चार्ज मूव करता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से मूव करता है, बट अभी तक आपने हमको ये तो बताया ही नहीं कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। अच्छा तो लेट्स राइट इट ओवर हियर। सो पोटेंशियल डिफरेंस potential difference between two point charges is the work done in moving the charge between moving the charge from point A to point B. So, potential difference between two points is the work done in moving the charge from point A to point B. ऐसा work done जो कि दो point के बीच में perform किया जाए. Let's suppose हमारे पास point A यहां पे है, point B यहां पे है. ऐसा work done जो कि charge पे perform किया जाए. Here we have a unit charge Q naught. ताकि वो चार्ज पॉइंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर पाए, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव कर पाए या बी पॉइंट से ए पॉइंट पे मूव कर पाए, ऐसा वर्क डन जब हम चार्ज पे करते हैं और उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सो अब आपके मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी तो ये था, तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस क्या है? अगर हम फॉर्मूले की भी बात करें तो फॉर्मूला भी पोटेंशियल डिफरेंस का होता है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट, वर्क डन अपॉन चार्ज। यही फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का और यही पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो इसमें डिफरेंस क्या है? जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की थी तब हम एक चार्ज को इन्फिनाइट लोकेशन से एक पॉइंट लोकेशन पे मूव करवा रहे थे। So, जब भी आप किसी चार्ज को एक इन्फाइनाइट लोकेशन से पॉइंट लोकेशन तक मूव कराने के लिए ट्राई करते हो तो उसमें जो भी वर्क डन होता है उस चार्ज को वहां से यहां तक ट्रेवल करने में उस बेसिकली उस वर्क डन को ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। उस वर्क डन को ही जो चार्ज पे परफॉर्म होता है इन्फाइनाइट से एक पॉइंट तक मूव कराने में उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। बट जब हम किसी दो पॉइंट के बीच में अपने चार्ज जो कि एक पॉइंट चार्ज है उसको ट्रेवल करवाते हैं और उस ट्रेवल ड्यूरेशन में जितना वर्क डन उस चार्ज पे हम परफॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। लेट सपोज अगर ये बैटरी हम यहां से हटा दें, अगर आप ये बैटरी इस सर्किट में से हटा दो तो चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? उसका रीजन ये नहीं है कि बैटरी यहां कनेक्टेड नहीं है, इसका रीजन ये है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल, लेट सपोज अगर मैं इसको पॉइंट ए बोल लूं और इसको पॉइंट बी बोल लूं और बैटरी बीच में से हटा दूं, सो चार्ज मूव होना इसलिए बंद हो जाएगा क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। सही है कि नहीं? तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही अ पॉइंट चार्ज विल मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट having some work done on it, ठीक है? इतनी बात आई समझ में? चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में एक्चुअल डिफरेंस है क्या? और भी कोई डिफरेंस है? हाँ है, एक और डिफरेंस ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस
इज ऑलवेज पॉजिटिव. इज ऑलवेज पॉजिटिव. बट जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव, बट पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. इसको भी हम बी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी एसआई यूनिट भी होती है वोल्ट्स. एसआई यूनिट इज वोल्ट्स. ठीक है, सो काइंडली नोट इट डाउन. अब जो हमारे सामने क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि हाउ विल यू डिफाइन वन वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. आप एक वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करोगे. लेट्स आंसर दिस. सो वन वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस between two points is defined as the work done on one is defined as the work done of 1 joule. Work done is measured in joules. So it's defined as the work done of 1 joule in moving 1 coulomb of charge from point A to point B. So 1 volt of potential difference between two points is defined as the work done of 1 joule in moving 1 coulomb of charge from point A to point B. Itna clear? So how will you write? So you can write it as 1 volt is equal to 1 joule अपॉन 1 coulomb. ये कैसे आया? ये आया इस फॉर्मूले से, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट. वर्क डन होता है हमारा जूल्स में और चार्ज हो रहा, चार्ज हम मेजर करते हैं कूलम में. सो 1 volt बिकम 1J अपॉन 1C. सो इसको हम ये भी लिख सकते हैं जूल पर कूलम. क्लियर?